नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कॉपी और पेन ले लें, ताकि आप भी इन क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि आपकी इन चार चैप्टर्स की कितनी तैयारी है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पूछा गया है कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। कोई भी दो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका HCF क्या होगा। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं। एक तो ले ली हमने 3 और दूसरी ले ली हमने 5। तो हमने ये दो अभाज्य संख्याएं ले ली। अभाज्य संख्याओं के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक खुद। यानी कि इसके जो गुणनखंड है वो एक है या फिर 3 है। ठीक इसी तरह से इसके जो गुणनखंड है वो एक है या फिर 5 है। अब यहां पे जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो 1 इनमें कॉमन फैक्टर है। और जितने भी कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा HCF होता है। अब इसमें तो एक ही फैक्टर है, तो यही हमारा HCF है। तो इसका जो HCF है वो आ जाएगा 1। यानी कि किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके एक और खुद के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। तो एक के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन आ नहीं सकता। अगर कोई और फैक्टर कॉमन नहीं आ सकता तो इनका HCF भी एक ही होगा। तो यहां से आप इसको इस तरह से ध्यान रखते हैं कि कोई सी भी दो अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो HCF होगा, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हैं उनका HCF होगा हमेशा 1। और अगर इनके LCM की बात करें, इनका जो LCM इन दोनों की गुणा के बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। मान लो हमें 3 और 5 का LCM निकालना पड़ जाए, LCM तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, क्योंकि इनमें कोई फैक्टर कॉमन तो है ही नहीं 1 के अलावा। तो 3 गुणा में 5 ये आ जाएगा 15। तो किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होगा वो 1 होगा और जो LCM होगा वो उन दोनों का गुणनफल होगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पे हमसे HCF पूछा गया था, तो HCF होगा इसका 1। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या छांटिए। तो इसमें से हमें अपरिमेय संख्या छांटनी है। पहला है वर्गमूल 36। वर्गमूल 36 का मान तो 6 होगा और 6 को हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखे तो 6/1 बन जाएगा, यानी कि ये तो परिमेय संख्या होगी। ठीक इसी तरह से वर्गमूल 121, ये 11 के बराबर होता है, तो 11/1 करेंगे तो ये परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिखी गई, तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। वर्गमूल 9 से हमें 3 मिलेगा तो 3/1 लिख सकते हैं इसको, तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 8, क्योंकि 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे 9 3 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यानी कि वर्गमूल 8 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है यदि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 24 और 360 हो तथा इनमें से एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो यहां पे HCF बता रखा है, LCM बता रखा है और क्या कर रखा है, एक संख्या बता रखी है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या किसके बराबर होते हैं, ये HCF गुना में LCM, या फिर इसको आप इस तरह से भी कह देते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना में LCM। अब देखो पहली संख्या हमारे पास, एक संख्या कितनी है 72, दूसरी संख्या हम निकालनी है तो हम उसको x मान लेते हैं, बराबर है HCF,
HCF हमारे पास 24 है और LCM हमारे पास 360 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 72 बटे में आ जाएगा, 24 गुना में 360 बटे में 72, 24 एकम 24, 24 दिए 72, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0, तो x का मान आ गया 120। तो अब आप देख लें कि इसमें कहीं 120 है क्या किसी ऑप्शन में, 120 पहले ही ऑप्शन में 120 है, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनका HCF और गुना में उनका LCM। तो इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की बात हो रही है, तो हमने पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या लिख दिया, इससे हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ी सी आसानी हुई। नेक्स्ट, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा गया है, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है, निम्न में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, निम्न में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब जैसे अगर हम 1/2 को दशमलव रूप में लिखें तो 0.5 आ जाएगा, और 1/3 को दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0.33333 ऐसे चलता रहेगा। तो ये दशमलव प्रसार शांत है और ये अशांत है। तो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, कोई भी परिमेय संख्या है p/q, उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम q को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं, उसमें सारे गुणनखंड 2 आ जाएं या 5 आ जाएं या कुछ 2 आ जाएं और कुछ 5 आएं, 5 आ जाएं, यानी कि दोनों आ जाएं, इनके अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो उसका दशमलव प्रसार होगा शांत। तो प्यारे बच्चों, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन अगर इनके 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड आ गया तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत होगा। यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार चेक कर रहे हैं तो यहां पे ये निम्नतम पदों में व्यक्त हो, यानी कि जो भी एक के अलावा जो भी फैक्टर कॉमन है पहले उसको कैंसिल कर लेना है, एक के अलावा जो भी फैक्टर कॉमन है पहले उससे हमें कैंसिल कर लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम इसके हिसाब से कि क्या हो सकता है। यहां पे प्यारे बच्चों हमारे पास पहला ऑप्शन है 63/15। अब देखो, अगर हम 15 के अभाज्य गुणनखंड बनाए तो ये 3 × 5 बनेंगे, इस तरह से बनाते हैं ना, 15 2 पे तो होता नहीं, 3 पे हो जाएगा, 3×5 = 15 और 5 × 5, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब यहां तो हम देखें तो इसके हिसाब से तो 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत तो होना चाहिए। लेकिन पहले आपने यह भी देखना है कि किसी पे कैंसिल तो नहीं, कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो दोनों को कैंसिल करता हो। तो देखो 3 पे हो जाएगा, 3×5 = 15 और 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 3, तो ये 21/5 है। तो 21/5 में नीचे तो सिर्फ 5 ही है, अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो अगर नीचे 5 आ जाए, सारे 5 हो बेशक, या सारे 2 हो, या कुछ 5 हो या कुछ 2 हो, तो कैसा होता है, शांत होता है। तो यहां 5 आने की वजह से ये कैसा होगा, शांत होगा। तो शांति पूछा था, यानी कि यहां पे हमारे पास पहला ही ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन की बात करें तो 343 है नीचे, 343 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो ये 2 पे कैंसिल नहीं होता, 2 पे भाग नहीं होता, 3 और 4 = 7 और 3 = 10, 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे हमें चेक नहीं करना है, 5 पे भी नहीं होगा क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए था, 6 पे हमें चेक नहीं करना है, 7 पे 7 × 28 6 + 7 = 63, फिर 7 पे 7, 7 × 7, तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, ये तो 2 और 5 को छोड़ के बाकी आए हैं, तो ये भी कैसा हो गया, अशांत हो गया, ये शांत नहीं है, ये कैसा है, अशांत।
ठीक इसी तरह से अगर 30 के बनाएंगे तो 30 के बनेंगे 2 गुना में 3 गुना में 5, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, 2 ठीक था 5 ठीक था, लेकिन इस 3 की वजह से क्या हो गया, ये अशांत हो गया। इसी तरह से अगर हम 24 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, इस तरह से बना लोगे, 24 2 पे किया 12, फिर 2 पे किया 6, फिर 2 पे किया 3 और 3 पे किया 1, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3। इस 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इससे भी और इससे भी, लेकिन ये 3 आ गया, इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, अशांत। तो ये भी अशांत, ये भी अशांत और ये भी अशांत। तो दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, ए ऑप्शन में जो है हमारे पास। लेकिन ध्यान रखें, देखने से तो यह भी ऐसा लगता है कि 3 गुना 5 है, इस 3 आने की वजह से यह अशांत है, लेकिन पहले निम्नतम पदों में लिख लेना है, पहले कैंसिल कर लेना है जो भी कैंसिल होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आया हमारे पास 11/8 का दशमलव रूप है। तो एक सबसे आसान तरीका तो यह है कि 11/8 का आपको दशमलव रूप ज्ञात करना है, तो सबसे आसान तरीका तो यही है जो कि हम सेकेंड क्लास से करते आ रहे हैं। 11 को आप क्या करोगे, 8 से भाग कर दोगे, 8 एकम 8, 3 बच गया। अब यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 8 दिया 24, 6 बच गए, 0 लगा लिए, 8 सत्ते 56, 4 बच गए, 0 लगा लिए, 8 पंजे 40। तो ये आ गया हमारे पास 1.375। तो ये है 1.375, ये है 137.5, ये है 1.375 और ये है 1375। तो 1.375 ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे हमारे पास ये 11/8 है, तो 11/8 में इस 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुना में 2 गुना में 2, तो जितने 2 हैं उतने 5 लगा लो, 5 5 और 5, तो यहाँ ऊपर भी इनकी गुना कर लेंगे, क्योंकि 3 बार 2 थे तो 3 बार 5 लगा दिए, तो नीचे गुना किया तो ऊपर भी गुना कर दिए। अब देखो 11 गुना में 5 पंजे 25, 125, 125 हो गया, और यहाँ पे देखो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 125 की 11 के साथ गुना करेंगे तो 11 पंजे 55, 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हासिल 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13, बटे में ये हमारे पास आ जाएगा 1000। अब 3 जीरो के लिए 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, 3 अंकों के बाद 1 2 3, तो 1.375 ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ से भी हमारे पास यही आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे पास चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने चैप्टर 1 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, तो यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन एक बहुपद है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये बताना है कि इनमें से कौन से विकल्प में एक बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो बहुपद है, बहुपद में जो चर है वो कभी भी बटे में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, चर है जो बटे में आ गया, तो इसकी वजह से ये बहुपद नहीं हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ वर्गमूल एक्स जमा 2। बहुपद में जो एक्स की शक्ति है या एक्स की घात है वो कभी भी बटे वाले नहीं होगी। वर्गमूल एक्स का मतलब है एक्स की शक्ति 1/2। वर्गमूल एक्स इसका मतलब है एक्स की शक्ति 1/2। तो यहाँ पे ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जो एक्स की जो घात है या एक्स की शक्ति है जो, वो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। वो जो घात है वो क्या होगी, वो पूर्ण संख्या होगी, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलेगी। तो यहाँ पे ये भी संभव नहीं है, इसकी वजह से ये संभव नहीं है। और यहाँ पे फिर देखो, बटे में आ गया, ये एक्स की जो टर्म है, एक्स के जो पद है वो बटे में आ गए, तो ये भी संभव नहीं है। और यहाँ पे देखो, बिल्कुल सही है, एक्स की शक्ति 3 जमा 1, तो ये हमारे पास एक बहुपद है। फर्स्ट किसके किसके वजह से नहीं हुआ, क्योंकि जो ये चर है एक्स, ये बटे में आ गया। यहाँ पे एक्स की जो घात है वो बटे वाली होगी 1/2,
यहाँ पे x जो चर है वो बटे में आ गया, ये ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुपद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात या शक्ति एक हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे देखो जो घात है वो दो है तो ये नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं द्विघात। सबसे बड़ी घात अगर दो है तो द्विघात बहुपद, सबसे बड़ी घात अगर तीन है तो त्रिघात बहुपद। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी घात एक्स की, यहाँ घात नहीं दी हुई है तो इसका मतलब एक, यानी कि ये हमारे पास रैखिक बहुपद है। यहाँ पे घात दो है तो ये भी द्विघात बहुपद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है, यानी कि सबसे बड़ी घात दो हो। पहले ऑप्शन में है 2x² + 3x - 5, तो बिल्कुल सही है, घात इसकी दो है तो ये ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों सारे विकल्प एक बार पढ़ लें। यहाँ पर भी देखो y की घात शक्ति दो है तो y की जो, ये भी एक द्विघात बहुपद है क्योंकि सबसे बड़ी घात यहाँ पे भी दो है तो ये भी ठीक है। और यहाँ पे 2 - x² - √3x, देखो वर्गमूल 3x से अलग है तो ये एक बहुपद है और कैसा है, द्विघात बहुपद, क्योंकि सबसे बड़ी घात यहाँ पे भी दो है तो ये भी द्विघात बहुपद है। चौथे ऑप्शन में लिखा है कि ये सभी हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये सारे ही हैं। तो एक्चुअल में हमारा जो आंसर होगा, जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होता है वो हम लेते हैं, तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमारे पास ये है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि ये भी और ये भी, ये सभी द्विघात बहुपद है, तो डी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन कि यदि पी एक्स बराबर है x² - 3x - 4, यदि पी एक्स बराबर है x² - 3x - 4 हो तो पी दो का मान होगा, यानी कि हमें x की जगह पे दो रखना है। अब देखो हमारे पास पी एक्स है x² - 3x - 4 और हमें पी दो का मान निकालना है, यानी कि x की जगह पे दो रख रहे हैं, तो ये 2 - 3 × 2 - 4, 2 2 = 4 - 3 2 = 6 - 4। अब देखो प्लस का 4 और माइनस का 4 ये कट गया तो माइनस के 6 आ गए, तो माइनस 6 आप देख लें कौन से ऑप्शन में है, -14, -10, 6 और -6, तो डी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना है इसमें। अब देखो हमारे पास द्विघात बहुपद है x² - 2x - 8, अगर इसको हम कंपेयर करें ax² + bx + c के साथ, तो यहाँ देखो एक्स स्क्र के साथ a है और यहाँ एक्स स्क्र के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि 1x² है, 1x² है, तो a का मान 1 हो गया। b x के साथ, यहाँ पे x के साथ -2 है और c जो एचर है वो है हमारे पास -8। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल वो होता है c/a, c का मान है -8 और a का मान है 1, तो -8/1, तो ये -8 हो गया। अब आप इसमें देख ले कि -8 कहीं है, -2, 2 - 8, तो ये हमारे पास c इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि द्विघात बहुपद 2x² - 3x + 4 के शून्यकों का योगफल होगा, आपकी बार योगफल निकाल लें, तो ठीक इसी तरह से इसको अगर ax² + bx + c के साथ कंपेयर करें तो a का मान हमारे पास आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा हमारे पास -3 और c का मान आ जाएगा 4। अब हमें निकालना है शून्यकों का योगफल, वो होता है -b/a। अब देखो माइनस तो पहले ही है और b का मान -3 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, a का मान 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 3/2 आ गया, तो आप देखें 3/2 पहले ही ऑप्शन में 3/2 है, -3/2, 2/3, -2/3, तो 3/2 हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इसमें कहा गया है
कि एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस तीन के गुणनखंडन होंगे या गुणनखंड होंगे, तो ये दे रखा है। प्यारे बच्चों एक तरीका तो है, आप इनकी गुणा करके देख लें किस में ये बनता है। ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, मान लो आपका लास्ट वाला आंसर आ जाए तो आपको वो सबकी गुणा करके देखनी पड़ेगी। एक फिर हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आसान सा तरीका है बिल्कुल। देखो जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ हमारे पास x के साथ जो लगा हुआ है कितना लगा हुआ है माइनस दो, और गुणा कितनी होनी चाहिए, एक तो ये एचर माइनस तीन गुणा में एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है यानी कि वन एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर है यानी कि एक, तो माइनस तीन। तो हमें ऐसे दो टुकड़े सोचने हैं, दो संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़े तो माइनस दो मिले, गुना करें तो माइनस तीन मिले। अब देखो तीन की और एक की गुना करेंगे तो तीन बनेगा, और मैं इसको माइनस का कर दूं तो माइनस तीन और एक को जब जोड़ेंगे तो माइनस के दो बनेंगे, और गुना करेंगे तो माइनस के तीन बनेंगे, क्योंकि माइनस तीन की एक के साथ गुना करेंगे तो माइनस तीन। अब ये जो यहां पे ये जो टर्म है, ये जो पद है, इसकी जगह पे ये लिखेंगे एक्स लगाकर, तो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस एक एक्स, एक एक्स को हम एक्स ही लिखते हैं, माइनस तीन। अब इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, और इसमें से यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है तो एक्स कॉमन आ जाएगा, ये x गुना में x है तो एक x रह गया माइनस, ये तीन गुना में x है तो x बाहर चला गया तीन रह गया। अब देखो ये तो यही है, इसको ऐसे ही लिख दो। अब देखो x माइनस तीन दोनों में है तो x माइनस तीन हमने कॉमन ले लिया, यहां से x रह गया, और जब सारा कॉमन चला जाए तो एक बचेगा, एक लिखेंगे। तो ये ढूंढे आप, ये ऐसे भी मिल सकता है ऑप्शन में आपको, या फिर x प्लस एक आगे लिखा हो और x माइनस तीन पीछे लिखा हो, ऐसे भी मिल सकता है। x प्लस एक्स माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो ये नहीं है हमारा, एक प्लस का एक माइनस का है। हाँ x प्लस एक और x माइनस तीन, तो बिल्कुल सही मैच हो गया हमारे पास। ये यहाँ पे दोनों प्लस के हो गए, x माइनस का होगा हमारा, x प्लस का x प्लस वन है, ये x माइनस वन हो गया, तो ये भी नहीं है यानी कि बी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ये हुए चैप्टर टू, चैप्टर सेकेंड, दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही लिए हैं सारे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब होता है इसमें आपके पास ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, वन वर्ड भी आ सकते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी हम उन क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल करते चलेंगे। प्यारे बच्चों चैप्टर वन और चैप्टर टू के हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं। अपने पार्ट टू वीडियो में हम चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।